ममता बनर्जी के सबसे चहेते मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी को बांग्लादेश का वीजा नहीं मिल रहा है। ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल नेता है। ट्रिपल तलाक पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। नागरिकता संशोधन कानून और NRC के विरोध में ये आए दिन बयान दे रहे हैं, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के मंत्री जी को बांग्लादेश की सरकार अपने देश में आने से मना कर रही है। सिद्दीकुल्ला चौधरी को क्यों नहीं मिला वीजा, देखिए इस रिपोर्ट में। इनसे मिलिए, ये है सिद्दीकुल्ला चौधरी, ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री, साथ ही ये पश्चिम बंगाल के जमीयत उलमाए हिंद के चीफ भी है। ये अक्सर अपने विवादास्पद बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार इनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून और NRC का विरोध करने में TMC सबसे आगे है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी खुलकर इसका विरोध कर रही हैं। वे राज्य में नागरिकता कानून और NRC लागू नहीं करने की बात कही जा रही है। यही नहीं, ममता दीदी इस कानून से बांग्लादेश के साथ संबंध खराब होने की बात भी करती है, लेकिन बांग्लादेश को ये पसंद नहीं है। बांग्लादेश नागरिकता कानून और NRC को भारत का आंतरिक मामला मानता है, तभी तो पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी को बांग्लादेश आने के लिए वीजा नहीं दे रही है। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने बांग्लादेश के ऊपर वीजा नहीं मिलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है उन्हें अपने 6 दिनों की बांग्लादेश यात्रा को इस कारण से रद्द करना पड़ा है क्योंकि उन्हें वीजा देने से मना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह उनकी पूरी तरह से निजी यात्रा थी जिसे पश्चिम बंगाल की सरकार और विदेश मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिली थी। सिद्दीकुल्ला ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय को अपनी यात्रा के बारे में 5 दिसंबर को जानकारी दे दी थी और 8 दिसंबर को इसकी मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार से बांग्लादेश जाने की इजाज़त मांगी। केंद्र सरकार ने भी 13 दिसंबर को इसकी मंजूरी दे दी। इसके बाद अपने सेक्रेटरी की मदद से वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। मेरा स्टाफ 3 बार वीजा कार्यालय गया था, लेकिन वीजा नहीं दिया गया। चौधरी ने बांग्लादेश जाने के कारण के बारे में कहा, ढाका में रहने वाला मेरा कजिन कैंसर से पीड़ित है। सिलहट में एक रिश्तेदार की हाल ही में मौत हो गई है। मुझे सिलहट के एक मदरसे के शताब्दी समारोह में भी आमंत्रित किया गया था। मैं वहां अपनी पत्नी, बेटी और नातिन के साथ जाने वाला था। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन को इसके बारे में सारी जानकारी दी गई थी, लेकिन फिर भी वीजा नहीं दिया गया, जिसके कारण मैं बांग्लादेश नहीं जा सका और यात्रा रद्द करनी पड़ी। दूसरी ओर बांग्लादेश उच्चायोग के अधिकारी ने कहा, सिद्दीकुल्ला ने 23 दिसंबर को वीजा के लिए आवेदन किया था। हम कुछ मामलों में आवश्यक मंजूरी पाने के लिए ढाका के लिए वीजा आवेदनों को अग्रेषित करते हैं। ढाका से क्लियरेंस अभी तक कोलकाता के ऑफिस तक नहीं पहुंचा है। हालांकि बांग्लादेश ने वीजा नहीं देने की बात स्वीकार नहीं की है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि नागरिकता कानून और NRC के विरोध को वे अपने देश में आने नहीं देना चाहता है। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने नागरिकता कानून का जबरदस्त विरोध किया था और इसकी जानकारी बांग्लादेश की सरकार को भी है, जिसके कारण उन्हें वीजा मिलने में दिक्कत आ रही होगी। बांग्लादेश नागरिकता कानून और NRC के खिलाफ नहीं है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने तो भारत में रहने वाले बांग्लादेशियों की सूची भी मांगी है, लेकिन देश में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ममता बनर्जी इसमें बांग्लादेश को भी घसीट रही है, जिसका खामियाजा उनके मंत्री को भुगतना पड़ रहा है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही आपका मनपसंद चैनल ओपिनियन पोस्ट बन चुका है Capital TV। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।